السلام عليكم. शाबाश, इक्तदार के लिए तो वो लड़ रहे हैं ना। अगर वो लोगों को खरीद रहे हैं तो किस लिए खरीद रहे हैं? इक्तदार के लिए तो खरीद रहे हैं। वो क्या कोई खुदाई काम के लिए खरीद रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं यूपी में? क्या कर रहे हैं पांच रियासतों में? क्या कर रहे हैं? इक्तदार के लिए लड़ रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए लड़ रहे हैं? उनसे ये कहिए मेरी तरफ से कि जब वो किसी तरफ उंगली उठाते हैं तो वो तीन उंगलियां पीछे भी उनकी तरफ भी देखती हैं, उन उंगलियों को भी देखें। सबसे बड़ी गलती अगर किसी की है पहले नेटो की, क्योंकि नेटो को क्या चट्टी पड़ी थी? जो रियासतें रूस के सरहदें बनाती हैं, रूस को डर लगा और लगेगा, और रूस ने उनसे कहा था, बार बार कहा था कि इस तंजीम को दूर रखें, मुझे कोई हमला नहीं करना, मगर मुझे अपने वतन को बचाना है। अगर नेटो ने ये नहीं किया होता तो नहीं होता, जहाँ तक मसला नहीं पहुँचता। आज वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ के लोग ही तो मर रहे हैं, कितने लाखों वहाँ से निकल गए अपने घर छोड़ के। इसके जिम्मेदार तो वही है जो आज बड़ा शोर उठा रहा है। उस वक्त कहाँ थे? अगर ये तो नहीं करते तो ये होता ही नहीं। इंडिया के स्टूडेंट नहीं है, दुनिया भर के गरीब मुल्कों के लोग वहाँ या तो पढ़ रहे हैं, अलग अलग तालीम हासिल कर रहे हैं, उनका हाल तो बहुत बुरा है। वो चिल्ला रहे हैं रोज़, वो अफ्रीका के हों, पाकिस्तान से हों, अफगानिस्तान से हों, दूसरे मुल्कों से हों, हिंदुस्तान से हैं, आज उनको निकालना मुश्किल हो गया है। ये तो जिम्मेदार है इसका है। अगर वो नहीं अपना असर रसूख बढ़ाते तो ये होता ही नहीं।